नमः शिवाय। महाशिवरात्रि विशेष कृषि और नक्षत्र में मैं स्मिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिवरात्रि का व्रत करीब करीब सभी रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? क्यों महाशिवरात्रि के व्रत को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है? इस दिन शिव जी की पूजा क्यों और दिनों से महत्वपूर्ण मानी जाती है? अगर नहीं जानते तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि अगले आधे घंटे पंडित अमित पांडे जी आपको बताएंगे इन तमाम प्रश्नों के सटीक उत्तर। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि, क्या विशेष महत्व होता है इस दिन का। कॉपी कलम लेकर आप बैठे हैं तो नोट करते जाइए, क्योंकि ये तमाम उत्तर आपके जीवन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और पहला सवाल यही कि क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है? पंडित जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? देखिए स्मिता जी, महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव भोलेनाथ जो कि आदि देव हैं और इस त्रिआयामी शक्ति के तीसरे स्तंभ हैं जो कि प्रलय की जिम्मेवारी है, उनके विवाह के उत्सव के रूप में, उनके प्राकट्य के उत्सव के रूप में तथा उनकी क्रियाओं के वर्णन के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, आप भी जानती हैं कि हर मास की शिवरात्रि पड़ती है तो जो तेरस होती है, मतलब त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो संध्या काल होता है, जो उनका संक्रमण काल होता है, वहाँ पे यह मास शिवरात्रि मनाई जाती है, हर महीने मनाई जाती है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि महाशिवरात्रि फिर इतनी विशेष क्यों हो जाती है फाल्गुन कृष्ण पक्ष वाली, क्योंकि महाशिवरात्रि तो हर महीने पड़ती है, तो ये विशेष क्यों है? ये विशेष इसलिए पड़ जाती है कि एक तो ज्योतिषी दृष्टि इसमें यह है कि मौसम का परिवर्तन, कुंभ का सूर्य, और कुंभ का सूर्य जब होता है उस समय आगे आने वाली जो उसकी राशि होती है सूर्य की, वह होती है मीन, अर्थात गुरु की राशि। तो कहीं ना कहीं सूर्य ज्ञान की तरफ जाता है, मतलब लोगों में ज्ञान का संचार हो, लोगों में ईश्वर और ज्ञान क्या ज्ञान हो लोगों को, शिव का, शिव ही ज्ञान के देवता हैं। तो इन तमाम कारण की वजह से महाशिवरात्रि काफ़ी विशेष हो जाती है। और हमारे शिव महापुराण में भी जैसा वर्णन है कि इस शिवरात्रि की रात में ही भगवान शिव का माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह जो शिवरात्रि है यह सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी शिव भक्तों के लिए पारस पत्थर के समान है। यह तिथि उनके लिए सभी मनोकामनाओं को देने वाली है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। खास करके जिन लोगों का अभी, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वह इस व्रत को अवश्य करें, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना महादेव पूर्ण करेंगे। अभी आपने कहा अपने उत्तर में कि हर महीने शिवरात्रि आती है, जी हर महीने शिवरात्रि का विधान क्यों है? जी देखिए, इसमें दो विधान है, जितनी तिथियां हैं उन तिथियों के कोई न कोई देवता कहे गए हैं। इसी हिसाब से जैसे कि गांव देश में हमारी महिलाएं, हमारे किसान भाई जानते हैं कि एक प्रदोष व्रत होता है। जी हाँ, प्रदोष व्रत होता है तो यह त्रयोदशी और चतुर्दशी के ही संक्रमण को प्रदोष व्रत करके जो है हमारे गांव देश में हमारे किसान भाई भी इसको व्रत को, उनके घर की महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो यह हर महीने पड़ता है और एक स्पेशल डे हर महीने में किसी न किसी देव के लिए समर्पित है। जैसे एकादशी भगवान विष्णु के लिए, त्रयोदशी ये जो शिवरात्रि वाली तिथि है यह भगवान भोलेनाथ के लिए, अष्टमी तिथि जो है वह दुर्गा के लिए, चतुर्थी जो है वह गणेश के लिए। तो जितनी हमारी तिथियां हैं, 16 तिथियां, 15 तिथि प्लस अमावस्या और उसके साथ साथ पूर्णिमा, ये जो तिथियां हैं ये सब किसी न किसी देवता के लिए समर्पित है। जैसे अमावस्या हमारे पितरों के लिए, पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी के लिए, तो उसी क्रम में ये जो त्रयोदशी तिथि है हर मास की, ये भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है, उनके पूजा पाठ उपासना के लिए विशेष रूप से लाभकारी तिथि त्रयोदशी मानी जाती है। हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, उन्हें शिवरात्रि कहा जाता है। ये जो माघ खत्म होने पर जो फागुन की शिवरात्रि आती है, इसे महाशिवरात्रि का नाम दिया गया, इसे महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? देखिए, जैसा कि दुर्गा सप्तमी में आया है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, चार प्रकार के हमारे सनातन धर्म में विशेष रात्रि है। विशेष रात का मतलब है कि साधना की रात है।
ये पूजा की रात है, कुछ पाने की रात है, और ज्योतिषीय दृष्टि से भी देखा जाए, ग्रहों की दृष्टि से भी देखा जाए तो काफी विशेष हो जाती है। काल रात्रि वो कही जाती है जब माता काली का प्रादुर्भाव हुआ था, जब उन्होंने वध किया था राक्षसों का, जो कि नवरात्रि की अष्टमी को पड़ती है, उसे काल रात्रि। महारात्रि, यही महारात्रि है, शिवरात्रि को ही महारात्रि कहा जाता है। मतलब यह जो विशेष रूप से शैव संप्रदाय के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव की पूजा करने के लिए वर्ष में जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण तिथि है वो शिवरात्रि की है, महारात्रि। मोहरात्रि तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, और दारुण रात्रि जो होती है वो होलिका दहन की है। चार रातें हैं, चार रातें विशेष रूप से सिद्धि देने वाली रातें हैं। इस रात को इन तिथियों के देवताओं की पूजा उपासना कीजिए, उनसे अपने लिए मनचाहा वर पाया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि इस दिन जो इस रात्रि को, महाशिवरात्रि को जो पूजा होती है वो भी विशेष पूजा मानी जाती है। जी बिल्कुल जी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि की रात को जो पूजा होती है वो विशेष फलदायी क्यों होती है, क्या विशेष फल की प्राप्ति इस पूजा से होती है। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका महाशिवरात्रि विशेष कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी कि महाशिवरात्रि की रात को जो पूजा की जाती है वो विशेष मानी जाती है, क्यों विशेष होती है ये पूजा, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि महाशिवरात्रि की रात को जो पूजा होती है वो विशेष मानी जाती है, क्यों विशेष ये पूजा मानी जाती है, क्या इस पूजा को करने से फल प्राप्त होता है, और ये पूजा कैसे की जाए, ये तीनों चीजें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए स्मिता जी, ये जो महाशिवरात्रि है विशेष क्यों हो जाती है, भगवान भोलेनाथ जो कि भूत भावन है, हमेशा जो है पर्वत पे रहने वाले हैं, गृहस्थ जीवन से बिल्कुल दूर रहते हैं और बिल्कुल सादगी से जीवन बिताते हैं, वो भोलेनाथ इसी रात्रि के दिन एक आम गृहस्थ की तरह तमाम सांसारिक कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए माता पार्वती से उन्होंने विवाह किया, पाणिग्रहण संस्कार किया था। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि संसार से दूर रहता है, वैरागी है, अपनी साधना में लीन रहता है, वह भी संसार के कल्याण के लिए, लोक हित के लिए उसने जो है स्वयं अपने सुख का त्याग करते हुए और वैराग्य जीवन को छोड़ करके ग्रहस्थ जीवन में प्रवेश किए, और समाज के लिए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया भगवान भोलेनाथ ने। इसलिए जब कोई व्यक्ति एक आदर्श स्थापित करता है तो वही समाज में पूज्य हो जाता है, इसलिए भगवान भोलेनाथ पूजनीय है, वंदनीय है। और चूंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पाणिग्रहण हुआ, इसलिए यह तिथि बहुत विशेष बन जाती है। जैसा कि हमारे समाज में भी प्रचलन है, विवाह के अक्सर जो अच्छे मुहूर्त होते हैं पाणिग्रहण के, वो रात में ही होते हैं, और इसीलिए भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह रात्रि में ही हुआ था, जो कि चतुर्दशी की रात थी, और उसी चतुर्दशी रात में भी आज तब से लेकर अब तक परंपरा चली आ रही है रात्रि जागरण करने का, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का उनके साथ। मतलब आपका कहना है कि ये जो विधान है रात्रि में जो पूजा की जाती है या जागरण किए जाते हैं या विवाह के लिए जो विधान रखा गया, ये शिव जी की ये विवाह के बाद हुआ है या उससे पहले भी था? देखिए शास्त्र जहाँ तक कहते हैं कि ये तो 27वां कल्प चल रहा है जी। तो ये जो क्रिया है ये हर कल्प में होती है, लेकिन ये घटना हर कल्प में फिर से दोहराई जाती है जी। तो शिवरात्रि तो पहले से थी, आदि से थी, क्योंकि शिव आदि है, शिव अनंत है, जब से शिव है तब से शिवरात्रि है, लेकिन इसमें एक एक प्रसंग जुड़ता जाता है जैसे जैसे घटनाओं का क्रम आगे बढ़ता है। अब आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि रात को पूजा क्यों और कैसे की जाती है, तो उसके विषय में बताऊं, हमारे शास्त्र कहते हैं आदिस्त्याद मय काले अस्ति चेघा चतुर्दशी तत्रादि शिवरात्रि से आशा भवे दुत्तम उत्तमा। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य जब अस्त होता है उस समय यदि चतुर्दशी तिथि लग जाए तो उसी रात को शिवरात्रि कहते हैं, और वही उत्तम उत्तम होती है, उसी रात को ग्रहण करना चाहिए, उसी रात में पूजा भी करनी चाहिए। अब पूजा कैसे करनी है, पूजा के लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल विधान यह है कि आप भगवान शिव की मानसिक पूजा कीजिए। मानसिक पूजा का मतलब हुआ कि अपने मन के तार से भगवान भोलेनाथ से जोड़ दो, अपने हृदय के समस्त ग्रंथियों को खोल करके भगवान को उसमें समाहित कर लो, रोम रोम में शिव का वास हो, रोम रोम में शिव का स्मरण हो, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम,
मतलब समस्त शिव है, संसार शिवमय है, ऐसी कल्पना करो, ऐसी स्थिति मानसिक आप उत्पन्न करो। और यदि यह नहीं कर पाते हो तो भगवान शिव की मानस पूजा, रत्नै कल्पित मासनम हिम जलम स्नानम च दिव्यांबरम, मतलब मन ही मन कल्पना करिए कि भगवान शिव को पवित्र नदियों से, जल से आप उनका स्नान करा रहे हैं, उत्तम से उत्तम प्रकार के वस्त्र आप उन्हें समर्पित कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, उनके चरणों में आप जो है अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ऐसी मानसिक प्रार्थना, ऐसी मानसिक कल्पना करते हुए भगवान शिव भोलेनाथ की आप पूजा करिए। सबसे उत्तम प्रकार की पूजा मानस पूजा कही जाती है। यदि आपका मन भोलेनाथ से जुड़ गया तो फिर किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर के, बाह्य वस्तुओं से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सारी पूजा आपकी मन से ही संपूर्ण हो जाती है। और कहा भी जाता है कि मन निश्चल है अगर तो पूजा में मन भी लगता है। मंत्र तू प्रसन्नार देवता विभक्त्या प्रसन्ना तू पितरौ, बिल्कुल हाँ, मतलब मंत्र से जो है वो देवता प्रसन्न होते हैं, और विभक्ति से मतलब व्याकरण के ज्ञान से पितर। लेकिन ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है? भावु प्रसन्ना तू ईश्वर, ईश्वर जो है भाव से प्रसन्न होता है, न मंत्र से, न तंत्र से, किसी से नहीं, वह आपके भाव को देखता है। क्योंकि जब बच्चा बोलना भी नहीं जानता है और पानी को मम्म कहता है, फिर भी उसकी माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे की आवश्यकता क्या है। और परम पिता है, वह सबका पिता है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, वह सब जानता है किसके मन में क्या है, वह अपने बच्चे का कभी हाथ नहीं छोड़ता। इसलिए भाव मन में रखिए, अपने मन में उनको बसा लीजिए, तो निश्चित रूप से वह आपका हाथ कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप रहेंगे इस लोक में या उस लोक में, भगवान भोलेनाथ सदैव आपका हाथ पकड़े रहेंगे। बहुत उत्तम एक बात पंडित जी ने कही है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। मंत्रों से या अर्पण से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी भावना से। अगर आपकी भावना निश्चल है तो पूजा भी लगेगी। लेकिन कैसे की जाती है महाशिवरात्रि की पूजा, क्या विधान होता है पूजा का, व्रत कैसे रखना चाहिए, अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो क्या नियम होते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, व्रत का विधान क्या है, कैसे व्रत रखा जाए, इस बार क्या शुभ मुहूर्त पूजा का होगा, वो भी बताएं। इसमें मैं अपने दर्शकों का भ्रम दूर कर दूं, कई लोग कहते हैं उदया तिथि के व्रत को लिया जाता है, जो तिथि सूर्योदय के साथ मिले वो तिथि का व्रत करना चाहिए। लेकिन चूंकि महाशिवरात्रि एक विशेष प्रकार का व्रत है, जो कि रात्रि का व्रत है, रात्रि की पूजन का व्रत है, जैसे महानिसा की पूजा वैसे महाशिवरात्रि की पूजा, तो यहाँ पे जो चतुर्दशी तिथि है वो 24 फरवरी 2017 वार शुक्रवार को रात में लग जा रही है 9:37। तो जो लोग महाशिवरात्रि के दिन पूजा करना चाहते हैं वो रात को ही पूजा करें, भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र का जप करना चाहते हैं, जो भी विधि विधान करना चाहते हैं, वो 24 फरवरी की रात को ही करें। 25 की सुबह या 25 की रात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 24 फरवरी को ही चतुर्दशी तिथि लग जा रही है, त्रयोदशी का समापन हो रहा है। लेकिन व्रत में तो लोग दिन में भी पूजा करते हैं, जैसे मैंने अक्सर देखा है बचपन से देखती आ रही हूँ कि जल चढ़ाना, शिव जी को कुछ अर्पित करके आना, वो सब दिन में करते हैं। हमारे माता पिता भी दिन में ही जाते हैं पूजा करने के लिए। मुझे लगता है दिन की पूजा को ज्यादा महत्व दिया जाता है बजाय रात की पूजा की, तो दिन की पूजा का भी कोई विशेष महत्व होता है? देखिए, दिन की पूजा तो होती ही है, दिन की पूजा तो हर समय होती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि की पूजा है, मैंने पहले भी कहा कि रात्रि शब्द लगने के साथ यह पूजा विशेष फलदायी रात्रि की होती है। इसमें रात को जागरण किया जाता है, भगवान शिव के मंत्रों का जप किया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनके प्रति उनका चिंतन, उनका वर्णन, उनका भजन, उनका कीर्तन, माने सब प्रकार से शिवमय हो जाने की व्यवस्था है इस चतुर्दशी तिथि में, जो कि रात को मिले और रात को ही पूजा करनी चाहिए। अब रही बात, आपने प्रश्न किया कि हमने तो बचपन से देखा है, तो ये तेरस कही जाती है त्रयोदशी, तो त्रयोदशी तिथि में भी जो है सुबह जब त्रयोदशी तिथि लगे तो उस समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, शिवालय में जाना चाहिए, जैसा कि सनातन धर्म की परंपरा चली आ रही है। तो त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को सुबह ही 24 फरवरी को लग जा रही है, तो 24 फरवरी को सुबह आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर आप दूध, जल, गन्ने का रस, शहद, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री हो चढ़ाएं, भगवान शिव से प्रार्थना करें, स्त्रोत इत्यादि का पाठ करें। लेकिन जो विशेष पूजा का मुहूर्त है, जो निशीत काल कहा जाता है, रात्रि काल का जो पूजा का मुहूर्त है, वह रात 12 बजे 24 फरवरी वार शुक्रवार को है, आप उसी समय विशेष पूजा विशेष फल की प्राप्ति के लिए करें, तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, यह मेरी गारंटी है। अक्सर मैंने देखा है महाशिवरात्रि के दिन में जब हम मंदिर जाते हैं, किसी शिव मंदिर में या कहीं भी मंदिर में जब हम जाते हैं, तो शिवलिंग पर
विभिन्न पदार्थों से पूजा की जाती है, कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई शहद से, गन्ने के रस से भी अभिषेक करते हैं। ऐसा भी सुना जाता है कि रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है, क्यों इन विभिन्न पदार्थों से पूजा की जाती है और रुद्राभिषेक का क्यों ज्यादा महत्व माना गया है, वो भी बताएं। देखिए, जो आपने रुद्राभिषेक कहा है, मैं अपने दर्शकों को भी कंफर्म कर दूं इस बात का कि रुद्राभिषेक क्या होता है। शुक्ल यजुर्वेद के 8 अध्यायों के मंत्रों से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक किया, अभिषेक का अर्थ होता है स्नान कराना वैदिक ढंग से। तो ये जो 8 अध्याय हैं शुक्ल यजुर्वेद के, इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र दिए हुए हैं जो कि कर्मकांड कहे जाते हैं, और इन्हीं 8 अध्यायों का पाठ करके श्रृंगी से, आपने देखा होगा कि उसे सामान्य लोटे से नहीं चढ़ाया जाता है बल्कि श्रृंगी से उसमें धीरे धीरे जल की धार से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। ठीक है, हरि ओम गणानांता गणपति गंगवा महे प्रियाणांता प्रियपति गंगवा, यहाँ से आरंभ होकर के पुरुष में पुरुषोक्त का भी पाठ है, पुरुषोक्त हरि ओम सहस्रिका सहस्राच, ये कहा जाता है, मतलब हरि और हर, शिव और विष्णु दोनों की पूजा। फिर अंत में जब आप देखते हैं शांति पाठ किया जाता है, मतलब समस्त पूजा का फल शांति पाठ के माध्यम से लोगों को मिले, मतलब अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की भी प्रार्थना की जाती है शुक्ल यजुर्वेद के इन 8 अध्यायों के माध्यम से, और इन्हीं के माध्यम से अभिषेक भी किया जाता है। अब आपने दूसरा प्रश्न इसी में किया कि कभी कोई जल से करता है, कोई दूध से करता है, कोई गन्ने के रस से करता है, कोई शहद से करता है, इसका क्या कारण? अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग पदार्थ वस्तु का प्रयोग करने का विधान हमारे शुक्ल यजुर्वेद में और अन्य पुराणों में वर्णित है। जैसे दूध से क्यों किया जाता है, तो बताऊं कि दूध से जो है दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक, जिन हमारे दर्शकों के पास अभी संतान नहीं है या संतान है तो कष्ट में है, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए निसंतानों को संतान देते हैं भगवान भोलेनाथ, यदि उनका अभिषेक शिवरात्रि के दिन गाय के दूध से किया जाए। दूसरी बात, सब प्रकार की मनोकामना गाय के दूध से अभिषेक करने पे भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। दूसरा, आपने कहा गन्ने के रस से, आर्थिक रूप से जो लोग तंगी में रहते हैं, जिन्हें धन की कमी है, कमाई बहुत हो रही है लेकिन बचत बिल्कुल नहीं है, सदैव आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनको गन्ने के रस से महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। तीसरी चीज़ है शहद। शहद जो है रोग मुक्ति के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है। यदि कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, रोग पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो उसे महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो स्वयं या अपने किसी रक्त संबंधी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का शहद से अभिषेक कराना चाहिए, और अपने दोनों हाथों में शहद लपेट करके शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, तो उसे असाध्य से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलेगी। तीसरी चीज़ है जो सबसे पवित्र मानी जाती है इस भारतवर्ष में, वो है गंगा जल। गंगा जल जो कि भगवान शिव के जटा से ही निकली है, उनके जल से अभिषेक करने पे हर पाप कट जाते हैं, कठिन से कठिन कार्य की भी पूर्ति हो जाती है और जीवन बहुत सुखमय बन जाता है। तो अन्यान्य और सारी ढेर सारी सामग्रियां हैं, लेकिन आप सबसे सरल है कि आप गंगा जल और गाय के दूध से अभिषेक करें, और यदि कोई विशेष मनोकामना है तो विशेष मनोकामना के लिए विशेष पदार्थ से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें थी महाशिवरात्रि के व्रत से जुड़ी हुई। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि राशि अनुसार आप इस महाशिवरात्रि भगवान शिव को क्या अर्पित कर सकते हैं। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका महाशिवरात्रि विशेष कृषि और नक्षत्र में, और चलिए अब आपको बताते हैं कि राशि अनुसार इस महाशिवरात्रि आप भगवान शिव को क्या अर्पित कर सकते हैं। पंडित जी, राशि अनुसार बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को, कि इस महाशिवरात्रि वो क्या अर्पित कर सकते हैं अपनी राशि के मुताबिक भगवान शिव को। जी स्मिता जी, मैं अपने किसान भाइयों को बताऊं कि अपनी राशि अनुसार इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उन्हें क्या समर्पित करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। तो सबसे पहले बात मेष राशि की, मेष राशि वाले लाल रंग की रोली घोल करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। वृषभ राशि वाले दूध अवश्य चढ़ाएं। मिथुन राशि के लोग बिल्व पत्र से पूजा करें। कर्क राशि के लोग देसी घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। सिंह राशि के लोग लाल मसूर समर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। कन्या राशि के लोग हरी मूंग जो है समर्पित करें।
तुला राशि के लोग दही से स्नान कराएं, वृश्चिक राशि के लोग भगवान भोलेनाथ को गेहूं से ढक दें और उसके बाद उनसे अपनी मनोकामना कहें, धनु राशि के लोग हल्दी के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, मकर राशि के लोग थोड़ा सा जल में काला तिल डाल करके भगवान का अभिषेक करें, कुंभ राशि के लोग गुलाब जल या इत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, और आखिरी राशि मीन राशि के लोग भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा चंदन व केसर घिस करके उसे जल में मिला करके चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ इस महाशिवरात्रि के दिन आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो 12 राशियों के मुताबिक इस महाशिवरात्रि आपको क्या अर्पित करना है भगवान शिव को, वो भी आपको पंडित जी ने बता दिया है। पंडित जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैंने अक्सर देखा है, कुछ साधुओं को मुनियों को भी देखा है, अपने दादी वगैरह को भी मैंने देखा था, कि अक्सर जब सफर में होते हैं या कोई त्यौहार पड़ता है, शिवरात्रि पड़ती है, तो कुछ लोग अंगूठे को ऐसे रखते हैं और उसी पर जल अर्पित कर देते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग स्वरूप होता है, ये इसका क्या विधान है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए स्मिता जी, हमारा जो शास्त्र कहता है घट घट व्यापी राम, राम अर्थात ईश्वर घट घट अर्थात कण कण में है, तो इस हमारे शरीर में भी ईश्वर का निवास है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है, बसरते हमें उसे देखने और जानने की जरूरत है। अब बात आपने जो कही ये क्या है, अंगूठे का क्या मतलब है, तो ये जब अंगूठा ऐसे करके और अपने बाएं हाथ पर रखा जाता है तो यह लिंग मुद्रा का निर्माण होता है, इसी मुद्रा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया जाता है, और ऐसे करने के बाद यह शिवलिंग स्वरूप हो जाता है आपका अपना अंगूठा। मुद्रा विज्ञान में बड़े विस्तृत ढंग से इसके बारे में वर्णन है, बताया गया है, जो लोग हमारे दर्शक मुद्रा विज्ञान जानते हैं वो जरूर इसके बारे में जानते हैं कि यह लिंग मुद्रा कही जाती है, और ऐसा करने से यह भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप बन जाता है। जिस तरह से आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी तरह से आप अपने ही अंगूठे की पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे शरीर से और भी मुद्राएं बनाई जाती हैं, जैसे यह देखिए एक मुद्रा मैं बताऊं, यह योनि मुद्रा है, इससे माता भगवती दुर्गा की उपासना की जाती है, यह मत्स्य मुद्रा है, भगवान नारायण की पूजा की जाती है, और तमाम 24 प्रकार की मुद्राएं गायत्री के पहले और गायत्री के बाद की बताई गई हैं, तो इन तमाम मुद्राओं का प्रयोग करके आप जो है भगवान को देवता को जिसकी भी आराधना पूजा करनी है आप उसकी मुद्रा का वो बना करके और पूजा कर सकते हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं शिवरात्रि के व्रत से जुड़ी हुई जो पंडित अमित पांडे जी ने आपको बताई हैं। उम्मीद है इस महाशिवरात्रि ये आपके काम जरूर आएंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे स्टूडियो में आकर दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जी धन्यवाद आपका भी। जी, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। एकदम सही पंक्तियाँ हैं ये कि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर हैं, आपके मन में हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भावना के भूखे हैं, मंत्रों से अर्पण से फर्क नहीं पड़ता, आपकी भावना में कितनी भक्ति है उससे फर्क पड़ता है। इस महाशिवरात्रि भावना से कीजिए भगवान शिव की आराधना, भगवान आप पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।